पकड़ का थोड़ी रहेगा। आपके माध्यम से लोगों को ये जागरूकता फैलाना चाहते हैं कि अभी बारिश थोड़ी ज्यादा हो सकती है, तो आप संभल के रहें, अभी पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, सारी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, सारे मैकेनिज्म अपने एस्टैब्लिश्ड हैं, जहां जहां हमने सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स, जो हमारे सरकारी 12 हमारे पास सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, 24 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, 126 क्लिनिक्स भी हमने आइडेंटिफाई किए हुए हैं, जहां पे अगर किसी के हेल्थ कंडीशन में भी इश्यू आता है तो भी वहां जा सकते हैं। अभी हमने प्राइवेट स्कूल्स को बंद करने के निर्देश नहीं दिए हैं, जिस हिसाब से बारिश की प्रेडिक्शन रहेगी, आईएमडी का जो फोरकास्ट रहेगा, उस हिसाब से अगर हमें ज़्यादा बारिश का प्रेडिक्शन आएगा, या कि जो मधुबन डैम से पानी रिलीज होने की क्वांटिटी बढ़ी जाएगी, या मधुबन डैम में जो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी है वो उसकी डेंजर लेवल या वार्निंग लेवल से ऊपर हो जाएगी, उस हिसाब से हम चीज़ें कंट्रोल करते हैं। जैसे कि अभी चोड़ा ब्रिज में आज का इंसिडेंस था कि पानी ऊपर आ गया था, तो हमने उस ब्रिज की मूवमेंट को हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया था कि इस ब्रिज से मूवमेंट नहीं होगी, आप दूसरा रूट ले लीजिए। तो इसमें पुलिस डिपार्टमेंट भी हमारा पूरा हेल्प कर रहा है, पुलिस डिपार्टमेंट के साथ साथ फायर डिपार्टमेंट भी इसमें पूरी तरह से अग्रसर है, फायर डिपार्टमेंट के लोग भी हर जगह कहीं भी अगर कोई कैजुअलिटी है तो वो भी इसमें साथ दे रहे हैं, साथ ही फॉरेस्ट, क्योंकि यहाँ पे हमारा फॉरेस्ट का भी काफ़ी एरिया है और पेड़ गिरने की घटनाएं भी हो रही हैं, तो उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी तत्पर होकर हमारे साथ है। काफ़ी टीमें कलेक्ट्रेट से भी बनाई गई हैं, काफ़ी टीमें सीईओ पंचायत से भी बनाई गई हैं, काफ़ी टीमें सीईओ एसएमसी से भी बनाई गई हैं, तो हर एक गांव में, हर एक ब्लॉक में हमने पर्टिकुलर 5-5 बंदों की एक एक टीम बनाई है। इसमें हमने एनजीओज भी आइडेंटिफाई की हुई हैं, पर एज ऑफ नाउ अभी क्योंकि घटनाएं ऐसी बहुत ही लिमिटेड घटनाएं हुई हैं कि कहीं भी हमें शिफ्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, पर कल रात क्योंकि रात का समय था और उस समय वो खाने का भी समय था उनके लोगों का, तो हमने यही बेहतर समझा कि इन लोगों को स्कूल में शिफ्ट कर लिया, वहाँ की हम प्रशासन द्वारा ही उनकी व्यवस्था की गई। ये नंबर ऑफ ब्रिज तो मैं एज ऑफ नाउ आपको नहीं बता पाऊंगा, पर हमने आइडेंटिफाई कर रखे हैं हर गांव में, क्योंकि हमारी चौकस निगरानी है, तो वहाँ पे पीडब्ल्यूडी की भी हमारी टीम हमारे साथ, जो मतलब पंचायत के एरिया के साथ, पंचायत में पीडब्ल्यूडी की टीम, PW3 जो पंचायत के साथ रेगुलेटर रहता है, तो हर एक एरिया में एरिया के हिसाब से जो पीडब्ल्यूडी के लोग हैं वो इसमें लगे रहते हैं, और जैसे ही इन्फॉर्मेशन पास ऑन होती है हम तभी उस ब्रिज पे मूवमेंट को रुकवा देते हैं। जैसे कि हमने आज का एक हमने चोड़ा का ब्रिज एक करा है, करचोंड में एक छोटा ब्रिज है वो भी हमने बंद करवाया है, तो ये दो ब्रिज है।